हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। हम अपने एक्सरसाइज 14.3 का थर्ड क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे थे। पार्ट वन में हमने देखा कि जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं होता तो हम क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज हमें गिवन होती है उससे हम फ्रिक्वेंसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हमने सीख लिया। नाउ आगे का जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जैसा सेम रहेगा। सेम इज दैट कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसे आप एन की वैल्यू मानते हो। लास्ट जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसे आप क्या मानते हो? एन की वैल्यू मानते हो। तो मैं आपको टेबल में बता देती हूं, ये थी आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 100 आपकी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी, दैट मीन्स एन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 100। सो एन की वैल्यू हमारी हो गई 100। एन की वैल्यू हमारी 100 हो गई है। अब हमें निकालना है n बाय टू, n बाय टू दैट मीन्स 100 बाय टू, और जब हम 2 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है उसे हम 50 कहेंगे। अगर हम कैंसिलेशन करें तो कैंसिलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी? 50। 2 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी? 50। आप कैंसिल भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। कैंसिलेशन करना इजी हो जाता है, एट द टाइम हमको आंसर पता चलता है। 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड 0 as it is। तो n बाय टू की वैल्यू हो गई 50। ये हमारी n बाय टू की वैल्यू है जो हमें फ्रिक्वेंसी में फॉर्मूले में चाहिए। आप देख सकते हैं कि n बाय टू आपका 50 निकला है। नाउ हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेक करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में 50 से जस्ट बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। मैं रिपीट कर रही हूं, हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में चेक करेंगे कि इस 50 से बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है। सो लेट्स चेक इट। आप देख सकते हैं कि 45 50 से छोटा रहेगा एंड 78 ये जो है ये आपका 50 से बड़ा है, ये 50 से बड़ा है। अब आपको चेक करना है इसका क्लास इंटरवल। 78 का क्लास इंटरवल क्या है? 35 to 40। मैंने आपको बताया जब हम क्लास इंटरवल लेते हैं तो उसमें जो लोअर लिमिट होती है वो हमारी L की वैल्यू बन जाती है। ये हमारी बन गई L की वैल्यू, 35 हमारी L की वैल्यू हो गई। इसकी जो फ्रिक्वेंसी का कॉलम है वो है 33, तो ये हमारा f बन गया। हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो n बाय टू का आंसर आया है उससे जस्ट बड़ा नंबर इस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम में कौन सा है। हमारा n बाय टू का आंसर आया है 50। हमारा n बाय टू का आंसर क्या आया है? 50 आया है। 50 से जस्ट बड़ा नंबर इस कॉलम में 78 है। 78 का अगर हम क्लास इंटरवल देखते हैं तो 35 टू 40 है, जिसमें जो लोअर लिमिट है 35 वो L की वैल्यू बन गई है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है वो 33 है, तो ये F की वैल्यू बन गई है। इसके जस्ट प्रिसेडिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, दैट मीन्स प्रिसेडिंग मतलब इससे जस्ट पहले वाली, इस फ्रिक्वेंसी से जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है 45। तो 45 आपकी क्या बन गई है? CF। ये आपकी CF की वैल्यू है। फ्रिक्वेंसी निकालने के बाद जस्ट पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसे आप CF मानते हैं। तो 45 आपकी CF बन गई है। एंड क्लास साइज 35 और 40 के बीच में गैप कितना है? 5 नंबर्स का गैप है, तो H की वैल्यू 5 हो गई है। अब मैंने आपको ये टेबल में समझा दिया है, यही चीज हम पीछे लिखते जाते हैं। n बाय टू में जो 50 से बड़ा नंबर था वो 78 था, उसका क्लास इंटरवल 35 टू 40 था, तो उसकी जो लोअर लिमिट हो गई वो L की वैल्यू बन गई। दोनों के बीच में 5 का गैप है, तो क्लास साइज आपका 5 हो गया। इस क्लास इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी थी वो थी 33, वो हमने यहां लिख दिए, और इस 33 के पहले जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी थी वो थी 45, तो 45 आपकी CF बन चुकी है। अब इसी में आपने मीडियन का फॉर्मूला लगाया, L प्लस एन बाय टू माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय एच। L की वैल्यू 35 हमने लिख दी, प्लस एज इट इज n बाय टू हमने 50 निकाला, CF 45, F की वैल्यू 33 एंड हाइट जो थी, क्लास साइज जो था वो 5 था। नाउ 50 में से 45 गए 5 बचे, अपॉन में 33 एज इट इज एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा
25/33 एज इट इज। जब इन दोनों को आप आपस में डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 0.76। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, 33 बाहर रहेगा, 25 अंदर आएगा। आप देख सकते हैं 33 बड़ा है, 25 छोटा है, डिवाइड नहीं जाता उसके लिए जीरो। पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, अब ये 250 हो गया। 33 की टेबल में 250 नहीं आता, बट 7 टाइम्स 231 जरूर आता है। माइनस करेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 10 में से 1 जाएंगे 9 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे 1 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे 0। पॉइंट लगाया हमने, यहाँ जीरो बढ़ा दिया। जब हम यहाँ 6 करेंगे, तो इसके आसपास हमारे पास कोई नंबर आएगा जिसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा फर्दर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको पॉइंट के बाद के दो ही नंबर फाइंड आउट करने रहते हैं, तो इन दोनों का जो डिवीजन हो जाएगा वो 0.76 हो जाएगा। 35 में जब 0.76 आप प्लस करेंगे तो 35.76 हो जाएगा। ये है आपकी मीडियन एज, कि उस एजेंट के पास जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी एवरेज एज 35 ईयर्स के आसपास है। सो ये हमारा मीडियन निकालने का तरीका था, जो मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में बता चुकी थी। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास प्रॉपर फ्रिक्वेंसीज और प्रॉपर क्लास इंटरवल होना चाहिए। सो अगर इसके सॉल्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।